शेर बाहर आ गया, जल्दी आओ। अरे भाई शेर बाहर आ गया। अबे आज हम लोग आप लोग को विजिट करवाने वाले हैं कराची के सबसे सस्ते पार्क, फ्री वाले पार्क से लेके और सबसे महंगे पार्क तक। हसन भाई मिनी जू भी है, बच्चे भी आएंगे तो भाई फ्री के पार्क में मजे पूरे है भाई। आज तो चांद पे मून वॉक करेंगे भाई। ये मून वॉक करवाएगा भी या नहीं करवाएगा? चांद में जाओगे? चलो भाई, चुके हैं कराची के सबसे बड़े जू के अंदर और आपको भी विजिट करवाने वाले हैं, तो हो जाए आप लोग भी हमारे साथ साथ तैयार। भाई हम लेंगे 120 के। I only 70 के। ओह माय गॉड। आगे बढ़ने के बाद हमें नजर आया है एलिफेंट। जी हाँ, ये वही एलिफेंट है। ये क्या सीन है भाई, हमने तो पैसे देखे थे, वो एलिफेंट देखा? बिल्कुल हसन भाई, आप पैसे दे के भी देख सकते हैं और बगैर पैसे दे के भी दे सकते हैं। हम मुमताज का रिश्ता लेकर आए हैं अली असगर भाई के लिए। अली भाई का रिश्ता कबूल करती है या नहीं, कमेंट में बताएं। टाइगर यहाँ पर, लेकिन आपने देखा होगा ज्यादातर सोता हुआ आप लोगों ने देखा होगा, रोता हुआ देखा होगा, लेकिन हम आपको चलता फिरता दिखा रहे हैं भाई। आज माशाल्लाह से एक्टिव हुआ हुआ यहाँ पर टाइगर भाई। म्यूजिक आ रहे हैं अली असगर भाई की बचपन की मोहब्बत के गवाह। हसन भाई घोड़ा है, घोड़ा क्या बात है भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लोग आप लोग को विजिट करवाने वाले हैं कराची के सबसे सस्ते पार्क, फ्री वाले पार्क से लेके और सबसे महंगे पार्क तक आपको विजिट कराएंगे। एक्साइटेड है अली भाई? तो हम अभी पहुंच चुके हैं भाई सबसे सस्ते पार्क और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम इतनी जल्दी आ गए कि पार्क ही बंद निकला भाई। हसन भाई, पार्क के अंदर झूले के साथ साथ मिनी जू भी है। मिनी जू? बिल्कुल हसन भाई, मिनी जू भी है, बच्चे भी आएंगे तो भाई फ्री के पार्क में मजे पूरे है। A few moments later. इस पार्क में आने के बाद सबसे पहले हमें ये मुर्गियाँ नजर आई और इसके बाद आगे कुछ खरगोश। खरगोश देखने के बाद हम आगे बढ़े तो एक चीनी मुर्गी हमारे पीछे ही लग गई। पालतू मुर्गी तो देख ही ली, उसके बाद कुछ यहाँ पर मंकी नजर आई। भाई क्यों ना आपको अंदर भेज दिया जाए। आगे बढ़ते ही कुछ हमें बत्तखें नजर आई और इसके साथ ही कुछ ऐसे मोर जिनकी दुमे तो गायब ही थी और इसके बाद अली भाई कुछ कहने लगे। हसन भाई घोड़ा है, घोड़ा। आगे बढ़ते ही हमें कुछ कछुए नजर आए और हम खड़े होकर सोच ये रहे थे कि इनकी उम्र क्या होगी। यार जानवर तो सारे आप लोगों ने देख ही लिए। हसन भाई रॉकेट मिल गया है, रॉकेट सीधा चांद पे जाएंगे। हसन भाई आज तो चांद पे मून वॉक करेंगे भाई। ये मून वॉक करवाएगा भी या नहीं करवाएगा? चांद में जाओगे? चलो भाई। चांद पे जा रहा हूँ मैं, टाटा बाय बाय। ये रॉकेट हमारा लॉन्च हो गया है। हसन भाई, अली असगर भाई रोज जिद कर रहे थे कि कब लेके जाएंगे झूले झुलाने, आज उनकी ख्वाहिश हमने पूरी कर दी। दिखाए अली असगर भाई को। अली भाई का चांद पे जाने का मिशन हुआ खत्म। इसके बाद हम निकले, जैसे ही पार्क से बाहर तो हमसे तकाजा किया गया 50 रुपए का, लेकिन हमने भी बिना झिझके इन भाई को 50 की जगह 100 रुपए जो है वो दे दिए। गाड़ी की तरफ बढ़े, गाड़ी में बैठे और इस पार्क को किया टाटा और निकल पड़े अपनी एक नई मंजिल की तरफ। हम आ चुके हैं कराची के सबसे बड़े जू के अंदर और आपको भी विजिट करवाने वाले हैं, तो हो जाए आप लोग भी हमारे साथ साथ तैयार। कराची जू में एंटर होते ही सबसे पहले आ जाता है एलिफेंट हाउस, लेकिन हमने जब यहाँ पर अंदर देखा तो हमें एलिफेंट नजर नहीं आया। अंदर जाने लगे तो केज तो था पूरा बड़ा वाला खाली। क्या बोला तूने? हमने सोचा कि क्या पता ये एलिफेंट किसी को सवारी पे जो है वो लेके गया हो। आगे बढ़ने के बाद यहाँ से हमें देना पड़ा 10 रुपए का टिकट एलिफेंट को देखने के लिए, तो हमने 4 लोगों का 40 रुपए टिकट दिया और चल दिए अंदर। तो भाई फाइनली ये जो है वो है अंदर वाला गेट, जहाँ से एलिफेंट बिल्कुल आपके नजदीक जो है आ जाता है और आपसे बातचीत भी कर लेता है। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? आदि का अगर सवारी करनी वो बंद हो गई क्या? अच्छा अब नहीं होती आदि की सवारी। क्या अली भाई को लग गई भूख और जब भूख लगे तो फिर रुकना नहीं चाहिए। पहुंच गए हम यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज खाने। भाई हम लेंगे 120 के। आई ओनली 70 के। ओ माय गॉड। दोपहर से घूमते घूमते भूख कुछ ज्यादा ही शदीद थी तो सारे ही मिलके एक ही प्लेट में कूद पड़े। इसके बाद अचानक अली भाई का शायर जाग गया। इरशाद अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। तरस जाओगे मेरे दीदार को। वाह 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 वाह। तरस जाओगे मेरे दीदार को, बस एक बार मुझे उधार देकर तो देखो।
देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, ये तो आपने सच्चाई बयान कर दी अपने बारे में। मेरे पास भी एक शेर है, सुनाए। वो घर पे रखा है प्लास्टिक का। ये शेर व शायरी तो चलती रहेगी, आपका टाइम बिना जाया करे आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमें नजर आया है एलिफेंट। जी हाँ, ये वही एलिफेंट है। ये क्या सीन है भाई, हमने तो पैसे देखे थे, वो एलिफेंट देखा। बिल्कुल ऐसा भाई, आप पैसे दे के भी देख सकते हैं और बगैर पैसे दे के भी दे सकते हैं। आगे बढ़ने लगे तो बीच में हमें यहाँ पर नजर आई एक ट्रेन खड़ी हुई। हमने बोला क्यों ना इस ट्रेन की सवारी की जाए। ट्रेन की सवारी करने के लिए लिए हमने टिकट, टिकट 50 रुपए का, लेकिन अली हसन भाई का टिकट नहीं लगा क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 3 साल के बच्चों का टिकट है, उससे नीचे का नहीं है। तो काफी देर वेट करने के बाद ट्रेन तो हमारी आ गई। ट्रेन के रुकते ही हमने बोला अपने मर्जी की कोई सीट जो है वो ले ली जाए। तो हम बैठ गए सबसे बैक साइड वाली सीट पे और हम तो सोच रहे थे कि क्या ये ट्रेन हमें पूरा जू घुमाएगी। देखते हैं हमें क्या क्या नजर आता है। निकल गया, निकल गया। स्नेक हाउस भी मौजूद है भाई, स्नेक हाउस भी है। बिल्कुल अहसन भाई, ये एक्सप्लोर कर रहे हम कराची जू। यहाँ इस तरफ देखा है बोटिंग, बोटिंग का फुल ये मजा था भाई, बोटिंग ही बोटिंग, ये मजा है। बतके 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 भाई, होलसेल के अंदर बतके, एक नहीं 100-100 बतके, 100-100 बतके। सर कटा इंसान, ओ माय गॉड, सर कटा इंसान। अरे अरे लली भाई, आज हम मुमताज का रिश्ता लेकर आए हैं अली असगर भाई के लिए। अली भाई का रिश्ता कबूल करती है या नहीं, कमेंट में बताएं। खैर सिर्फ यही चीजें आप लोगों को जो है वो नजर आती हैं इस ट्रेन में बैठने के बाद। A few inches later. तो खैर यहाँ खत्म होती है हमारी सवारी और हम बढ़ जाते हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ। इंसानों जैसी टांगे नजर आ रही है और जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे छोटे छोटे अली भाई, छोटे छोटे अली भाई और अली भाई के छोटे छोटे अली भाई। यहाँ पर थोड़ा बहुत मजाक करने के बाद आगे बढ़े तो यहाँ पर हमें कुछ बड़े से केज में कुछ मोर नजर आए, फिर हम और आगे बढ़ जाते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं कराची जू के टाइगर के पास भाई। टाइगर यहाँ पर, लेकिन आपने देखा होगा ज्यादातर सोता हुआ आप लोगों ने देखा होगा, रोता हुआ देखा होगा, लेकिन हम आपको चलता फिरता दिखा रहे हैं भाई। आज माशाल्लाह से एक्टिव हुआ हुआ यहाँ पर टाइगर भाई। म्यूजिक ये आ चुके हैं हम लोग अली भाई की पुश्ते। अली भाई आज से 200, 300, 400 साल पहले ऐसे जो है वो नजर आते थे, लेकिन अली भाई ने जो है वो सभी देखे कैसे नजर आ रहे हैं। तो भाई ये अली भाई का जो है वो पुराना रूप है, आप लोग देख सकते हो पीछे चुप के अली भाई बैठे हुए। तो अली भाई, अली असगर भाई को मुमताज याद आ रही है, बार बार मुझे हाथ खींच के लेके जा रहे हैं। चले मुमताज, चले मुमताज के पास चलते हैं भाई। अब डायरेक्ट डायरेक्ट हम लोग अली भाई जो है हमारे जानवरों की आइडेंटिटी बताएंगे पूरी। जो भाई मेरा और नाम ले, आप 20 रुपए देंगे तो पूरा शनाख्ती कार्ड बना के देंगे ये जानवरों का भाई। जो भाई मेरा नाम लेकर मुझे कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर बैठाने की, उनको पेमेंट मिल जाएगी तो प्लीज आप जेंडर रिवील करेंगे। इस बात पे अहसन भाई के लिए एक शेर याद आ गया, इरशाद इरशाद इरशाद। उससे बिछड़े तो मर जाएंगे, वाह वाह, उससे बिछड़े तो मर जाएंगे, वाह वाह। कमाल की बात है, बुखार भी नहीं आया। अरे ये क्या ठंडी थी भाई। बिल्कुल अली असगर भाई ने बहुत ठंडा शेर मारा, इसलिए अब हम जैकेट बंद कर देते हैं क्योंकि हमें ठंडी लग रही है, बहुत सर्दी लग रही है। चलो 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 जल्दी चलो, अबे लेट हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे भाई। इस तरह हो रहा है अली असगर भाई का दिल। ये देखो आवाज आ रही है दुख 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 के। हम जा रहे हैं अली असगर भाई की बचपन की मोहब्बत के गवाह। तो काफी मुश्किलों के बाद हम पहुंच गए अली भाई की फाइनली मोहब्बत के बाद रिश्ता लेके। और यहाँ पर तो भाई वीडियो बनाना ही मना था, बड़ी मुश्किलों से हमने रिकॉर्डिंग तो कर ली लेकिन हमारे कैमरामैन ने बाइक ही लगाना भूल गया। लेकिन हमने फाइनली अली भाई का रिश्ता जो है वो तय कर दिया है। तो नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को अली भाई की हम रुखसती भी दिखाएंगे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद जैसे ही कैमरामैन ने हमारे कैमरा घुमाया तो मुझे नजर आया कि माइक ही नहीं लगा हुआ और कैमरामैन के तो हौश ही उड़ गए। था चिड़ियाघर का पूरा एक राउंड जिसके अंदर आपको एक एक शेर दिखाया, एक एक बिल्ली दिखाई, एक एक चूहा दिखाया, हर चीज जो है वो यहाँ की हमने आपको दिखा दी है। और फिर
सबसे जो बड़ी चीज थी वो था अली भाई का बिछड़ा हुआ बचपन का। बिल्कुल भाई, आज अली भाई बहुत खुश है क्योंकि उनको अपनी पुराना प्यार मिल गया है। मुमताज ने हाँ कर दी है। हाँ कर दी, मुबारक हो। मुबारक हो भाई, मुमताज ने कर दी है। हाँ कर दी है। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मुमताज ने हाँ कर दी है। तो भाई अब आपका अली भाई कबूल है। हमने तो यही बोला अली असगर भाई को कि आपकी भूल है, भूल है, भूल है, लेकिन ये तो बोले जा रहे कबूल है, कबूल है, कबूल है। तो भाई यहाँ का राउंड हुआ खत्म। तो दोस्तों आ चुके हैं हम लोग एक और जू के अंदर, और यहाँ पर जो है वो पहले वाले जू से जो है वो आपको ज्यादा चीजें नजर आएंगी। और क्योंकि आप लोगों को पता है कि भाई छोटी छोटी चीजें आप लोगों ने देखी है, लेकिन अब हम लेके आ गए हैं आप लोगों ने बहुत सारी बहुत बड़ी बड़ी चीजें। फ्री वाला जू देख चुके हैं, 50 रुपए वाला जू भी देख चुके हैं, लेकिन अब हम आ गए हैं उससे कई ज्यादा गुना अच्छे जू के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं और चले आप लोगों को विजिट कराते हैं। एंट्री होते ही आपको यहाँ पर एक पैरोट नजर आता है जो कि हैंड ट्रेन है, और ये भाई खाली इस तोते को आवाज देते हैं और ये उड़ता चला आता है। ये आप लोगों ने स्टार्टिंग में देख लिया होगा, तो आप चलते हैं आगे, आप लोगों को दिखाते हैं मजीद चीजें। तो इंटर होते ही आप लोगों ने देख लिया भाई हाथ पे बैठने वाला तोता, लेकिन उसके बाद जैसे ही हम लोग इंटर होते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ नजर आता है टर्टल जो कि बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए मैंगोज भी मौजूद है। तो पहले जब हम गए थे कराची जू में तो वहाँ ये चीजें हम लोगों को स्टार्टिंग में नजर नहीं आई थी, वहाँ कछुए थे लेकिन बहुत बड़े बड़े थे, यहाँ थोड़ा छोटा कछुआ नजर आया। लेकिन आगे चलते हैं देखते हैं इस जू के अंदर और क्या क्या चीजें आप लोगों को मिलने वाली। चल भाई, ये एक टांग पे देखे सोते हैं क्या, ये भी अली असगर भाई की तरह खोते हैं क्या? अली भाई ये आपके खोते नहीं, ये आपके होने वाले पोते हैं। होने वाले, क्या बात है, एक टांगों वाले। यहाँ पर हम लोगों को नजर आ रहा है भाई रैकून, और भाई अली असगर भाई, अली असगर भाई की तरह ढीठ है, बाहर ही नहीं आ रहा, अंदर छुप के देख रहे हैं कोने खांचे से। तो शक्ल देखनी है तो ये आप चेक कर सकते हैं, आप थोड़ा सा इधर आइएगा। बिल्कुल, ये शक्ल जो है भाई कोई मसला नहीं है, अगर पिंजरे में शक्ल भी आ रहा है सकते हैं रैकून। तो अली भाई क्या बोलते हैं, पहले वाले जू से बेहतर है? बिल्कुल एहसन भाई, बहुत बेहतर है, ऑर्गेनाइज्ड है, आगे देखते हैं क्या क्या आता है। तो चलिए जी यहाँ आ गए, तो हम लोग ये पहला यहाँ पर हम लोगों का केज जो है ये थोड़ा सा खाली नजर आ रहा है। आगे बढ़ जाते हैं तो देखो बंदर, बंदर क्या कर रहा है? तो भाई वो बंदर नहीं है, वहाँ तो खाली है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं तो यहाँ पर छोटे वाले मंकी आप लोगों को जो है वो नजर आएंगे, जो के काफी जो है वो प्लेफुल है, यहाँ पर खेल रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं। तो इससे आगे बढ़ जाते हैं भाई, इससे भाई कैंगरू की नस्ल का ही एक थोड़ा सा जो है वो जानवर है, और ये आप जो है वो यहाँ चेक कर सकते हैं। ये भी यहाँ पर जो है वो खाने पीने में अभी जो है वो जाम हुआ है, अभी तो जाम खा रहा है, मजे ले लेंगे। हाँ जी, कैंगरू का जो छोटा वाला वर्जन है मकसद आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल जो है वो इसी तरीके का जो है वो नजर आता है। A few minutes later, देखे आपके लिए तोहफा है, तोहफा तोहफा। बिल्कुल ऐसे भाई, टाइगर लेकर आ गए हम। बिल्कुल टाइगर बहुत भूखा लग रहा है, अली असगर भाई को दूर रखिएगा। बिल्कुल, और ये बिल्कुल भाई ये खेलने कूदने में भी लगा हुआ है टाइगर, माशाल्लाह से बड़ा एक्टिव सा हुआ हुआ है। चलें जी, आपने टाइगर तो जो है वो देखा, अब टाइगर से हम आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं भाई कछुआ, टॉर्टोइस। टॉर्टोइस भाई बिल्कुल स्पीड में अंदर भाग रहा है टॉर्टोइस, और अपने खाने की तलाश के अंदर निकला हुआ है टॉर्टोइस, तो उसका भी आपको एक ओवरव्यू दे दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं तो भाई मोर आ चुके हैं, और वो भी हसन भाई मोर के बाल ये जिब्रान से भी ज्यादा बड़े। तो भाई मोर के मोर की पूंछ देखें या जिब्रान के बाल देखें, बात तो एक ही है। बिल्कुल, तो यहाँ पर भाई वो भी साफ नहीं करते, ये भी साफ नहीं करता। तो भाई सारे पिकॉक मौजूद हैं, उड़ास हो गए हैं। One eternity later. बिल्कुल ऐसा भाई, खामोश रहना है इसकी खसलत के अंदर है। I'm Batman. आगे आते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रही हैं इतनी सारी डक्स, एक डक ने जो है वो अंडे भी दे दिए हैं और उस पर बकायदा बैठ के यहाँ पर जो है वो उसको सेक रही है, ताकि फिर वो छोटे 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 अली भाई आपको नजर आए घूमते फिरते। बिल्कुल एहसन भाई, बहुत जल्द छोटे छोटे, आज 12 है, कल आएंगे तो 24 नजर आएंगे। ये वाली डक देखो, ये तो बिल्कुल उड़ने के लिए तैयार है, तरंग लगाया हुआ इसने, एरोप्लेन वाली डक। अली भाई ऐसे कर ले, ओह नो, ये हो गई हमारी डक, ये वाली डक।
तो चलिए जी, ये लाइन अभी खत्म नहीं हुई है और हम अब आगे बढ़ जाते हैं भाई। यहाँ पर है, ये चेक करे ना, ये देखने वाली चीज है भाई। लेकिन यहाँ पर मार्श क्रोकोडाइल यानी के बड़ा वाला क्रोकोडाइल मौजूद है। अली भाई ये क्या कर रहा है क्रोकोडाइल? हसन भाई मुंह खोल के बैठा है, मैं इसको कह रहा हूँ मुंह बंद करते है कहीं मक्खी ना घुस जाए। अरे अली भाई आपको तो खुद मुंह बंद करके आना पड़ेगा फिर इसका। बिल्कुल हसन भाई मुंह खोल के बैठा हुआ है अपने शिकार की तलाश में, तो अली असगर भाई को जरा दूर ही रखिएगा। तो भाई यहाँ पर हमने आपको दिखाया एक अदद टाइगर, एक अदद क्रोकोडाइल, डग्स दिखाई, उसके अलावा पिकॉक दिखाए और एक जंगली बिल्ली भी दिखाई है। अभी और भी चीजें बाकी है, तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे और देखते हैं और क्या क्या आप लोगों के जू के अंदर जो है वो देखने को। बिल्कुल हसन भाई आज एलेक्जर जू का एक एक खोना खांचा सब छान के दिखा देंगे सर। पहले तो पहले। मैं तो कह रहा हूँ सारे सब्सक्राइबर को आने की जरूरत ही नहीं है, हमारी वीडियो में ही सारा दिखा देंगे। तो भाई सब्सक्राइब कर लो फौरन से, क्योंकि सारी जो कराची के जू है वो सब तो हमने घुमा दी है, अब रहता क्या आपके पास, घर बैठे सारी चीजें तो आप लोगों ने देख ली। एक और चीज भी है यहाँ पे, तो भाई कराची जू के अंदर आप लोगों ने इतनी सारी चीजें नहीं देखी होंगी, लेकिन हमने आप लोगों को यहाँ पर जो है वो ये सारी चीजें दिखा दी है। तो इससे पहले लाइक करो फिर हम दूसरी साइड में जाएंगे। बिल्कुल हसन भाई वेट करते हैं, ये लोग लाइक कर दे उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। बड़ा हरामी हो बेटा, बाप दादा के जमाने का काम है, इनके पास विरासत में ये सलाहियत आई है जिनसे ये जेंडर मालूम करते हैं। बहुत जल्द इनका अपना एक जेंडर स्कूल ओपन होने वाला है जिसपे वो जेंडर मालूम करके भी बताएंगे और क्लासेस भी देंगे, अगर कोई ये काम सीखना चाह रहा हो तो उसको सिखाएंगे भी। नाम क्या होगा उसका? काका जेंडर, काका जेंडर चेकिंग। अब हम इंटर हो रहे हैं आपकी नई साइड पे, और नई साइड पे जैसे ही हम लोग इंटर होते हैं चिट्टल डियर जो है वो हमने आपको दिखा दिया। अब हम आ जाते हैं भाई नेक्स्ट, तो यहाँ पर जो है वो बंगाल टाइगर का बोर्ड लगा हुआ नजर आ रहा है, तो अभी ढूंढते हैं भाई बंगाल टाइगर है किधर। हसन भाई हमारे पास बंगाली तो था, यहाँ बंगाल टाइगर भी है। अरे भाई साहब, हसन भाई ना बंगाल टाइगर है ना बंगाली है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये तो खाली है। तो भाई ये वाला जो है वो केज खाली नजर आ रहा है, हम भाई से पूछते हैं जी भाई क्या कर रहा है? खाना खाने के, अभी खाने का टाइम हुआ है, खाने का टाइम हो गया, इसकी शाम में खाना खा रहा है। भाई इंसान भी है, इंसान को भी तो भूख लगती है, ये जानवर है। मैं बोल रहा हूँ शाम में खाना खा रहा है, तो इनका टाइमिंग है ना। अच्छा अच्छा इनकी टाइमिंग, कितने बजे खाना खाते हैं ये? 5:30 बजे। 5:30 बजे खाना खाते हैं, और कितना किलो खाते हैं? 8 किलो। 8 किलो ये खा लेता सारा यार, जब भी आप इतने कमजोर नजर आ रहे हो। तो भाई भाई जो है वो बता रहे हैं कि खाना खाने गया हुआ है अभी जो है वो बंगाल टाइगर। तो एक टाइगर तो आपने देख लिया, वो खाना वो ये वही टाइगर तो नहीं है वहाँ पर था, वो अलग है, वो इनका बच्चा है। अच्छा इनका बच्चा है वो, और ये दोनों गए हुए गए हुए कहाँ ही है? जब तक ये टाइगर, जब तक ये टाइगर खाना खा रहा है तब तक आप रियल टाइगर को देख लें। हसन भाई कोई टाइगर मूवी का टाइगर थोड़ी दिखाना है, स्कूल के बच्चे जो टाइगर का कॉस्ट्यूम पहन के आते हैं ना, ये तो वो वाली बात हो गई। बिलोटे छोटे छोटे भाई, वो देखिए शेर, ओए ओए शेर सुना तो होगा, शेर देख ले ओ तेरी खैर। तो भाई आपको कराची जू में ऐसा लॉयन, ऐसा शेर नहीं नजर आया होगा, क्योंकि ये है भाई व्हाइट लॉयन यानी के सफेद कलर का शेर, सफेद झूठ तो आपने देखा होगा जो अली असगर भाई अक्सर बोलते हैं। लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं सफेद शेर, और ये आप चेक कर सकते हैं कितना बड़ा ये शेर है, इसको जरा सा फोकस करके दिखाएं भाई हमारे कैमरामैन। बिल्कुल हसन भाई अंदर एक और भी है, शेरनी भी बैठी हुई है अंदर, और जो इसकी शेरनी है वो अंदर बैठी हुई है, अंदर वो कुछ खा रही है, खाना खा रही है वो। शेरू है, एक शनाया, शनाया भी खाना खा रही है, शनाया खाना खा रही है, और शेरू बैठा हुआ है। शेरू के नहीं आएगा यार, इसको बुला लेना। नहीं सर ऐसे इसको हम, ये तो अपनी मर्जी करके नहीं बुला सकते, चाचा आएंगे, चाचा हो। अच्छा अच्छा चाचा हो, मैंने देखा है लोग हाथ हाथ भी लगा रहे होते हैं इसको, ऐसा होता है क्या? हाथ नहीं लगा, हाथ कौन से शेर को लगा रहे होते हैं, हमने वीडियो में देखा, वो छोटा है वो अभी अंदर बंद। वो भी अंदर बंद है, जब फंक्शन होता है फिर उसको जो है वो निकालते हैं। तो चलिए जी, शेर और शेरनी व्हाइट कलर के, तो बच्चे कौन से कलर के होंगे? अली भाई ये फिर से आ गए अपनी जेंडर वाली बात पे, बोलने शेर शेरनी व्हाइट। बिल्कुल हसन भाई, बिल्कुल हसन भाई, अभी तो अली असगर भाई के भाई बहन नजर आ रहे हैं मुझे, बदलने वाले हैं बिल्कुल, इनके इनकी इनके देखो और उनको देखो, क्या बात है भाई। अभी देखें अली भाई के बहन भाई, मैं आपको दिखाता हूँ चल के नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। तो भाई अफ्रीकन लॉयन भी यहाँ पर मौजूद है, यानी कि अफ्रीकन शेर,
तो आपने जो है व्हाइट शेर देख लिया, नेक्स्ट क्या चीज नजर आ रही है, शेर तो इतने दिखा दिए हसन भाई, बिल्कुल नायाब किस्म का जानवर है, टांगे उसकी हिरन जैसी है, कान कैंगरू जैसे है और चेहरा इनका हिरन जैसा है और इनका कद कामत घोड़े जैसा है। बिल्कुल हसन भाई घोड़े की तरह, और अगर वो सिर्फ चेहरे का लुक देखते हैं तो दूर से तो हिरन ही नजर आते हैं और कोई वहाँ अंदर जो मौजूद है उनके सींग भी है। तो हसन भाई ये तो सिर्फ आपने किताबों में पढ़ा होगा और सुना होगा, आज हम आपको दिखा रहे हैं नील गाय। आपकी मेरे ख्याल से कुछ नॉलेज में कुछ इजाफा करना पड़ेगा सर, ये नील गाय कहाँ से दिख रही है, तो पील गाय है हसन भाई, वो तो पड़े पड़े पील हो गई है लेकिन नाम इसका नील है। क्या बात है, तो भाई गाय जो है वो कहलाती है ये ब्लू बुल यानी कि नीली गाय। और बाकी हम अगर इधर से आ जाते हैं तो ये आप चेक कर सकते हैं कि एक जो है वहाँ खिड़की से बाहर के नजारे ले रहा है, बड़े अच्छे से आप लोगों को नजर आ रहा होगा, एंजॉय कर रहा है वो। तो चले खैर, हमने ये लाइन तो जो है वो कंप्लीट कर ली है, बाकी अब हम आ जाते हैं भाई नेक्स्ट चीज के ऊपर। नेक्स्ट चीज हमें जिब्रान बताएंगे, जिब्रान ये क्या चीज है? यहाँ पे बहुत सारे अली भाई हैं, लेकिन छोटे वाले अली भाई भी हैं यहाँ पे। बिल्कुल हसन भाई, हसन भाई अली असगर भाई को देखे और इनको देखे भाई, ये शूट भाई अभी हसन भाई अभी वो जू गार्डन वाले के जो नुमाइंदे वो आ गए थे, इनको पकड़ के लेके जा रहे थे, वो तो भाई मैंने इनको छुड़ाया कि भाई हमारा बंदा है, हमारे साथ है, हमारा जेब्रा है भाई। शूट के बाद इनके ओनर से मेरे सारे भाइयों को छुड़वाना है और लेकर जाना, शूट के बाद सबको लेके जाना, पिंजरे के अंदर डाल देते, बोला यार ये तो हमारा बंदा है, बाहर कैसे आ गया, हमने बचा लिया अली भाई है। बिल्कुल हसन भाई, अली भाई पे आज हम, अली असगर भाई हमारे बहुत एहसान मंद है कि हमने उनकी जान बचाई है आज, वरना अली भाई ये क्या है, कहाँ है, कहाँ है अली भाई, आप तो काले हसन भाई, काले है तो क्या हुआ, दिल वाले है, मारखोर की तरह नजर आ रहा है, ऊपर से आधा काला आधा सफेद, ये है ब्लैक बक। शेर बाहर आ गया, जल्दी आओ। अरे भाई शेर बाहर आ गया, अबे पूरा खा रहा था अली भाई, ये वाला बाहर आ गया। तो भाई ये आप चेक कर सकते हैं, लॉइन खाना खा के जो है वो बाहर आ चुका है और अब जो है वो दोनों बाहर आके बैठ गए हैं और दोनों की जोड़ी बड़ी जबरदस्त लग रही है। चाचा आपका हाथ भी बहुत जबरदस्त लग रहा है, थोड़े से साइड हो जाए, आप चेक कर सकते हैं भाई, ये भी बाहर आ गया, इसके पीछे अगर हम लोग बैक साइड आ जाते हैं बंगाली टाइगर भी बाहर आ गया। तो भाई बंगाल टाइगर भी बाहर आ चुका है क्योंकि भाई बंगाल टाइगर का साइज जो है वो होता है काफी बड़ा। अरे ये नहीं रहा भाई बंगाल टाइगर, हेलो वापसी चला गया, एक चला गया, एक बैठा हुआ है यहाँ पर। तो अली भाई इसको जरा सा फोकस करके जो है वो दिखाएं, हमारे कैमरामैन यहाँ पर बैठा हुआ है, टाइगर बाहर तो आ गया लेकिन अभी भी जो है वो मुखड़ा अपना छुपा रहा है थोड़ा सा। टाइगर अली भाई, अली भाई इसको बुलाया तो सही। बिल्कुल हसन भाई अभी ये जरा आराम फरमा रहे हैं, ये शाम की चाय के बाद आएंगे, वो ले आए आपने बोला वो बाहर आ गया, वो तो भाई एक रूम से निकल के दूसरे कमरे में क्या करने जा रहा है वो तो उसको खुद को भी नहीं पता। तो बाहर बुलाते, आ जाओ बाहर, आओ आज ये आ गया, आ गया, आ गया, वो बोल रहा है शक्ल दिखा दी यही काफी है। तो भाई अब हम चलते हैं वापसी अपनी लाइन की तरफ, जो मेन चीज थी जो हमसे मिस आउट हो रही थी कि भाई हम टाइगर नहीं दिखा पाए थे आप लोगों को, तो अब टाइगर भी आपको दिखा दिया बंगाल का, अब हम वापसी आ जाते हैं और एक आप लोगों को यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेंगे। आपने नॉर्मली देखा होगा नेशनल ज्योग्राफिक पे दिखा रहे होंगे, डिस्कवरी पे दिखा रहे होंगे, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं पाकिस्तान के एक बड़े जबरदस्त से जू के अंदर ही हम आप लोगों को जो है वो दिखा रहे हैं और सारे के सारे अभी जो है वो आराम फरमा रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। यूनिकॉर्न है, इसके जो इयर्स है ना लंबे लंबे सींग है उसको यूनिकॉर्न कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यूनिकॉर्न। क्या बोला, क्या बोला? यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग। यूनिकॉर्न नहीं है लेकिन अली भाई को यूनिकॉर्न नजर आया, तो लेकिन कोई बात नहीं, यूनिकॉर्न भी हम बोल सकते हैं भाई। ये भी एक हिरन की नस्ल है और लाल कलर का हिरन मतलब रेड डियर, ये अली असगर भाई का डियर नहीं है, रेड डियर है। डियर भी हम लोगों ने दिखाया और इसकी खासियत ये है कि ये 200 केजी तक का होता है, यानी कि अगर ये बड़ा हो जाए तो 200 केजी तक ये पहुंच जाता है, लेकिन अभी आप छोटे वाले हाल फिलहाल देख लें, जब यहाँ पर कोई बड़ा हो जाएगा एक डियर तो फिर हम दोबारा आके आपको जो है वो विजिट करवा देंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं, तो भाई ये आपने अगर पढ़ना है इसके बारे में थोड़ा सा तो यहाँ पर आप लोग जो है वो इसको पढ़ सकते हैं, इंट्रोडक्शन इसका यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्यारे 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 देखें, छोटे छोटे डियर अगर आपको देखने हैं तो यहाँ हसन भाई, ये तो पूरा पट्टा डियर का ही हमने बता दिया है, डियर ही डियर है यहाँ पे, डियर ही डियर है, जिनको डियर का शौकीन हो जो, तो उनके लिए भाई बहुत वैरायटी रखी हुई है और जो अपने घर ले जाना चाहे तो वो भी ले जा सकता है। अरे ये घर ले जाने वाली बात कैसे आ गई? हसन भाई अगर कोई इसमें से कोई ले जाना चाहे
तो ये सेल के लिए भी मौजूद होते हैं। झूठ बोल रहा है भाई सारा, ये कैसे सेल के लिए मौजूद होगा मेरी समझ नहीं आ रहा है। सर मैं इतने डियर का करेंगे अली भाई, ये कार 53 थोड़ी है जो हर चीज भेज देंगे हम। पास भी मिल पाया वो भी अली भाई की वजह से मिल पाया, क्योंकि अली भाई को उन्होंने पहचान लिया था कि ये तोहफा है। तोहफा डायलॉग पे तो उसी ने हमने फ्री टिकट्स दिए क्या? नहीं नहीं भाई पैसे दिए यार, पैसे दिए भाई, पैसे देकर आए हम भी भाई, कोई फ्री नहीं है, कोई स्पॉन्सर नहीं है, पैसे दिए है, समझ रहे हो, पूरे दिए हैं, पैसे पूरे दिए। नेक्स्ट साइड अभी क्या है मेरे ख्याल से, तो मेरे ख्याल से खत्म हो गया है यहाँ पर, लेकिन फिर भी हम चलते हैं देखते हैं, क्या पता हमें और कुछ भी देखने को यहाँ पर नजर आए। तो इतनी सारी चीजें आप लोगों ने देख ली, लेकिन अभी भी अगर आप लोगों को चाहिए कि कुछ और दिखाया जाए तो अली भाई क्या चीज है ये? एहसन भाई घोड़ा है, घोड़ा, क्या बात है भाई, घोड़ा। तो भाई घोड़े भी हॉर्स भी यहाँ पर मौजूद है, तो जितने लोग था बिल्कुल, तो भाई हॉर्स जिब्रान को हाथ लगाना था लेकिन हॉर्स ने हाथ लगाने दिया। और हॉर्स के साथ साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो पोनीज भी मौजूद है। पोनीज का मीन्स होता है कि हॉर्स के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर आप लोग को नजर आ जाएंगे, इन्होंने अलग साइड पे जो रखे हुए हैं, तो वो देखें आप लोग, एक छोटा सा प्यारा सा आपको घोड़ा भी नजर आ रहा है। आपने कभी कभी गोल्ड फिश देखी है? गोल्ड फिश नहीं अली भाई, आए हम आपको दिखाते हैं गोल्ड फिश। तो ये देखे, तो ये आप लोग चेक कर सकते हैं कि भाई गोल्ड फिश तो आपने बहुत सारे तरीके की देखी होंगी, लेकिन यहाँ पर पूरा पाउंड जो है वो मौजूद है हमारे पास गोल्ड फिश का। तो ये आप लोग जो है वो चेक करें, सारी गोल्ड फिश है। और इस गोल्ड फिश के बारे में अगर कुछ आपको मालूम करना हो तो यहाँ पर आप जो है वो देख सकते हैं कि इन्होंने पूरा बोर्ड लगाया हुआ है, और यहाँ पर जो है वो आप पढ़ सकते हैं, गिविंग गोल्ड फिश टू समवन इज साइन ऑफ फ्रेंडशिप, अगर किसी के साथ दोस्ती करना चाह रहे हैं। तो आप हमें कब दे रहे हैं गोल्ड फिश? अली भाई आपके लिए तोहफा, बिल्कुल एहसन भाई, हम देंगे, हम सब सब्सक्राइबर को देंगे तोहफा हमारी तरफ से गोल्ड फिश का। आपने बोल तो दिया है, अगर एक भी आ गया ना फिर। तो ऑस्ट्रिच देखे किसी ने अभी तक? नहीं भाई पहले तो नहीं देखे। अली भाई आपने ऑस्ट्रिच देखा है? भाई आज पहली बार हम देख लेते हैं ऑस्ट्रिच। भाई आपने अंडों का नाश्ता तो बहुत बार किया है, कभी ऑस्ट्रिच के अंडों का नाश्ता किया है? क्या बोल रहा है, उबला हुआ अंडा मांग रहा है। ये तो आप कैसी बात कर रहे हैं सर, ऑस्ट्रिच के अंडे? ऑस्ट्रिच के अंडे ही अंडे है यहाँ पे भाई, ऑस्ट्रिच भी है और ऑस्ट्रिच के अंडे भी है। ओ भाई ऑस्ट्रिच यहाँ पर जो है वो चोंच मार मार के हमारे जिब्बू दादा को जो है वो डरा भी रहा है, तो जिब्रान उसको ना सताए आप। तो ये है बड़े बड़े भाई हॉस्टेज, और इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे अंडे भी दिए हुए हैं, वो देखें एक वहां पर पड़ा हुआ आप लोगों को छोटा सा नजर आ रहा होगा, एक यहाँ बीच में जो है वो पड़ा हुआ एक ब्लैक वाले हॉस्टेज के बराबर में। तो यहाँ से हमारे कैमरामैन से गुजारिश है कि थोड़ा सा आप यहाँ से आके दिखाएं, ये एक जो बड़ा वाला हॉस्टेज है ये अपने अंडों को यहाँ पर बैठ के सेक रहा है ताकि छोटे छोटे हॉस्टेज जो है वो निकल के सामने आए। तो भाइयों ये आप लोगों ने तकरीबन कंप्लीट एक व्यू जो है वो इस ज़ू का देख लिया है, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट चीज की तरफ। तो आप लोगों ने भाई पूरा घूम ही लिया है, लेकिन एंड में जो है वो थोड़ा सा इंटरेक्शन हम करवा देते हैं आपका कुछ तोतों के साथ, जिसके लिए हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं जिनका ये काम है, जो कि सारी चीजों को ट्रेन करते हैं और सारी चीजों को सिखाते हैं। तो सर कैसे हैं आप, कैरियर से हैं? सर आप कैसे? क्या नाम है सर आपका? दाऊद नाम। दाऊद भाई ये कौन से हमारे पास पैरोट नजर आ रहे हैं, पहले तो इनका थोड़ा सा हमें बताएं सर। हमारे पास है सेंटोनियोस और ये है सेक्टोन काकाटू। सेक्टोन काकाटू, सर इनकी खासियत क्या क्या होती है? खासियत ये होती है, एक तो इनका कलर बहुत ज्यादा अच्छा होता है, तो दूसरा ये टॉकिंग भी बहुत अच्छे रहते हैं, प्लेफुल बर्ड्स होते हैं। अच्छा अभी ये कुछ बात कर सकते हैं? ये बात में भी नहीं करते हैं। इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। जैस्पर, तो जैस्पर को हम अपने हाथ पे बिठा लेते हैं भाई, उम्मीद है कि ये जैस्पर हमारे हाथ से कहीं उड़ के भागेगा नहीं और कोई चीज हमारी जो है वो निकालेगी नहीं। वैसे तो इसने कोशिश शुरू कर दी है कि ये हमारी वॉच जो है वो निकाल ले, तो सर हम जैस्पर को वापसी दे सकते हैं आपको। तो भाई आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे ट्रेन जो है इन्होंने तोते रखे हुए सारे, जो कि माशाल्लाह से बड़े प्लेफुल हैं, और बस यही है, थोड़ा सा भी बातचीत नहीं कर सकता। इंशाल्लाह ताला जैसे ये बातचीत करना सीख जाएगा हम अली भाई को यहाँ पर लेके दोबारा से आ जाएंगे। तो चलिए जी ये था आज का आखिरी जो है वो हमारे पास तोहफा, जो कि हम लोगों ने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जो है वो दिखाया। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को जू पसंद आया होगा, और मैं अगर बात करूँगा तीनों जू के हवाले से तो तीनों जू में सबसे बेस्ट यही था, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी एनिमल्स की यहीं पर ही थी, और दूसरी चीज़ ये कि हर चीज़ नीट एंड क्लीन थी, सारे जितने भी इसके केजेस थे सब बिल्कुल साफ सुथरे थे, कोई स्मेल नहीं थी, मज़ा सब जगह आया, लेकिन यहाँ जो है वो मज़ा हमें सबसे ज़्यादा आया। अली भाई से ये भी पूछ लेते हैं, अली भाई आप यहाँ आए हमारे साथ, सारे आपने जो है वो अलग अलग जू हमारे साथ घूमे, आपको सबसे अच्छी ज़्यादा कौन सी चीज़ लगी? यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ की नीट एंड क्लीननेस। ये सर हम एनिमल की बात कर रहे हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? तो बिल्कुल ज़ेब्रा लायन अच्छे लगे, अच्छा मतलब इन लोगों ने तरीके से रखा हुआ। सर ये ज़ेब्रा पसंद करने की वजह मुझे थोड़ी, क्योंकि मैं उनके साथ मिल रहा हूँ। ओके, तो भाई अली भाई के साथ हमने काफी मस्ती करी, काफी मजाक करा, काफी सारी चीजों से इनको मिलाया भी,
लेकिन ये कि आप लोग इन्हें ऐसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोस जो है वो हमारा कोशिश होती है कि अच्छा अच्छा कंटेंट लाएं, कराची की अच्छी अच्छी जगहें जो है वो आप लोगों को विजिट कराएं। तो आप लोगों ने बिल्कुल कहीं पर भी नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ हमें नीचे आके सब्सक्राइब करना है ताकि जितनी भी जगहों की हम अलग अलग वीडियोस आप लोगों के लिए बनाएं वो आप तक इजीली जो है वो पहुंच जाएं। यहां तक वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक जो है वो जरूर कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।